अभी नहीं तो कभी नहीं। नकचड़ी, तुम ठीक तो? नकचड़ी, अपनी आंखें खोलो। नकचड़ी, 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 अपनी आंखें खोलो। शहजादी के पास पहुंचने से पहले सूर्य ग्रहण खत्म कैसे हो गया? शहजादा सैन वजीर आला, उन्होंने हमारा जादुई तमगा तोड़ दिया। बेटे की तुम कहीं तमगा तोड़ के मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? ये नकचड़ी मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? ऐसा कौन सुरमा बगदाद में पैदा हो गया जिसने मरक्कश के तिलस्मी और अलीजा के जादू को मात दे दिया? जवाब दो हाँ, वरना हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे जो तुम्हारे तमगे का हुआ है। वजीर आला, उस काले कपड़े वाले लड़के और उसके जिन ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। काला चोर जिन का आका बन बैठा है। वजीरे आला, पता नहीं वो दोनों कहां से। शहजादी यास्मीन हमारे काबू में थी, मगर उन दोनों ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। मैं तो हम बाद में देखेंगे, ये बताओ कि वो दोनों कहां हैं? शहजादी यास्मीन के साथ सिर्फ तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं पर बनेगा जरूर। चोर, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक लड़की यहाँ इस हालत में और तुम्हें गाने सूझ रहे। तुम गोरी इस तरह ही थी, मैं क्या करता? गनीमत है कि तुम जादुई काबू से आजाद हो गई हो। ऊपर वाले शुक्र है, तूने इसे बचा लिया। नकचड़ी, लगता है लंबा हाथ मारा है। वैसे आज क्या चोरनियों की ईद है? जो इस कदर खूबसूरत, इस कदर मासूम, इस कदर हसीन लिबास पहनकर घूम रही है,
नहीं, वो हम किसी को बेवकूफ बनाकर लूटने निकले थे और फिर ये सब हो गया। बोला बोला हबीबी, छा गई करीबी, लगता है उस जादू में काबू के बच्चे ने इन दोनों को भूत बना दिया। अब मैं अम्मी से क्या कहूंगा, मेरा भाई भूत बन गया। हिलतू भूत, आप दोनों ठीक तो है? शेख जीनू, आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। शुक्रिया, मुझे भी। हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस उल्लू का पता नहीं। नचड़ी, नचड़ी क्या हुआ? जिनू, इसे क्या हुआ? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, लगता है प्यारी परेशानी की बेहोश हो गई है। हो सकता है जादू के काबू की वजह से इन्हें कमजोरी आ गई हो। जिनू, यहाँ पे खतरा है, हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। अब वो होगा जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उस काले चोर के हम छोटे छोटे टुकड़े करके अपना जादुई चिराग हासिल कर लेंगे। मिट्टी, अलादीन नाम तो सुना होगा, घर पहुंचने से पहले तुमने अपना लिबास क्यों बदल लिया? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने जब मुझे छोटा किया था ना, तो चींटियां मेरे पीछे लग गई थी और मेरे लिबास के अंदर घुस गई थी, इसलिए। अब कुछ पूछना मत तुम जिन्हों, समझे? ये लो, पकड़ो इसको। इधर लो। क्या कर रहे हो? मर गया, अब और कितना मरूंगा। आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मैं थक गया। तो मैं क्या करूं? आका, आका, गोदी गोदी। जिनू, गोदी? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे तो पाँव भी नहीं है, मैं तुम्हें गोदी में कैसे उठाऊंगा? और पहले से एक सफारी, तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम थक कैसे गए? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें सुनसान रास्ते में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। सुनसान रास्ता? आका, हम सुनसान रास्ते से क्यों चल रहे हैं? बाजार के रास्ते से चलते तो वहाँ की हवा में कबाब की खुशबू होती, वहाँ की फिजा में समोसे महकते, हम रुक कर कुल्फी फालूदा खाते और तो और टिक्की की दुकान में जाके जूते खाते। जूते खाते? लोग समझते कि हम इस नक्षड़ी को अगवा करके ले जा रहे हैं। जिनू, वो तुम्हें देख के लगता।
मेरी तो इतनी भोली भाली नन्हे मुन्ने फरिश्ते जैसी शक्ल है। वैसे आका हम प्यारी परेशान जी को कहाँ लेके जा रहे हैं? चाचा क्या उनकी दुकान पर, वो खाना खाने के लिए घर से बाहर निकले होंगे, इसका मतलब उनकी दुकान खाली होगी। नक्षड़ी को मैं कुछ देर के लिए वहीं पे छुपा दूंगा। ठीक है, मैं घर जाके थोड़ी देर खाना खाऊंगा। वैसे भी नींद बहुत आ रही है, भूख भी लग रही है। अच्छा, सारी मेहनत मैंने की, चाहते ही तमगा मैंने तोड़ा, चाहते ही काबू से मैंने तुमको आजाद किया, तुमने क्या किया जो तुम्हें भूख लगी है? इतनी जल्दी भूल गए? अम्मी ने तुम्हें बड़ा किया तो उनकी इतनी इज्जत, अब मैंने बड़ा किया तो फटका मक्का। बड़ा करने से पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की, उसका क्या? तो क्या हुआ, गलती इंसान से ही होती है। इंसान तो क्या हुआ, माफ कर दो। वैसे भी अम्मी कहती है ना कि लड़ाई लड़ाई माफ करो कुत्ते की, मेरा मतलब है दिल साफ करो। और वैसे भी अब क्यों परेशान हो, अब तो सब ठीक हो गया। कहाँ कुछ ठीक हुआ है जिनू, चाची ने मुझे जो काम दिया था वो तो मैंने किया ही नहीं, उन्हें क्या जवाब दूंगा? और अम्मी, अम्मी मुझसे खफा है उस चीज के लिए जो मैंने किया ही नहीं, उनका यकीन कैसे जीतूं मैं अब? कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, अभी तो बहुत काम पड़ा है, तुम अभी से थक गई? इस पे तो धूल की मलाई जमी हुई है, अब इसे क्या इब्ने बतूता खुदा के साफ करेंगे? नहीं भाभी, मैं भी कर देती हूँ। जल्दी हाथ चला रुखसार, अभी मेरे लिए 40 रोटियां भी बनानी हैं। किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो आफत आ जाएगी। नक्षड़ी, नक्षड़ी। हाय, अलादीन नाम तो सुना होगा। सोचो अगर अम्मी ने तुम्हें प्यारी परेशानी जी के साथ देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा? अरे अम्मी प्यारी परेशानी जी को मुंह दिखाई के पूरे 11 अशर्फियां देंगी, कहेंगी वाह क्या चांद का टुकड़ा लाया मेरा अलादीन। चांद? और ये? हाँ? ये तो तो तुम्हारा सर है? मेरा सर हो गया, कपड़े भी धोने हैं, चलो। चिलगोजा चिलगोजा, हम अभी तक बेगम को नहीं बताई कि तुम अकेले आती, वो यही समझती कि शहजादी तुम्हारे साथ होती। तुम्हें बड़ी फिक्र है शहजादी की, शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक 2% के सड़क छाप नौटंकी हो जो सिर्फ बादशाह बनने का नाटक कर रहा है, समझे? और जहां तक हमारी बात है, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि वजीर आला ने हमें बुलाया है, हम डरते नहीं, समझे? चिलगोजा चिलगोजा। वजीर आला में माफ कीजिए, हम शहजादी को आपको गुलाम नहीं बना पाए। माफ कर दें? अरे ऊपर वाले, आज इन दो सांडों की लड़ाई में मुझ जैसा मासूम एक आंख वाला मर जाती। बात अगर सिर्फ शहजादी की होती तो हम शायद समझ भी जाते, लेकिन तुमने उसे जाने दिया, हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है वो जिन। उस जिन और जादुई चिराग पे हमारा कब्जा है, लेकिन वो काला चोर जब देखो काट जाता है हमारा रास्ता। उस जिन को पाने के लिए हमने जमीन आसमान एक कर दिया, वो हमारे नहीं तुम्हारे सामने आया, तुम्हारे वजीर आला
वजीरा हमारी बात सुनिए। वजीरे आला, हमने काले चोर को देखा है, मामूली सा इंसान है, हम मदद करेंगे आपकी पकड़ने में। मुट्ठी में हवा को पकड़ना आसान है, लेकिन उस काले चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल। तुम क्या चाहते हो? हम पूरे बगदाद में इस बात का ऐलान करें और सारे नौजवानों की तहकीकात करें कि काला चोर कौन है उनमें से। वक्त नहीं है हमारे पास, और हम तुम्हें कोई बहाना नहीं बचा सकता। वजीर आला, वजीर आला, हम नहीं जानते थे कि जिनको कैद करना आपके लिए इतना जरूरी है। अगर जानते तो कोई दूसरा रास्ता निकालते, हम सच में सिर्फ शहजादे के पीछे लगे हुए थे। वजीर आला, शहजादी ने उन दोनों को देखा? नहीं, वो जादू के काबू में कैद थी। और तुम्हारी जिंदगी हमारी तलवार में कैद है। हमें इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि तुम कितने बड़े निकम्मे हो, और इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि शहजादी इस वक्त कहां है। शहजादी जहां और जिस हालत में हो, बस दुआ करो मेरे दोस्त कि उसे सच्चाई का इल्म ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए जिनू, सच बाहर नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। और नकचड़ी को होश में लाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, चाची किसी भी वक्त आ सकती है। नकचड़ी उठो। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। जिनू, कैसे भी करके अपने जादू से नकचड़ी को उठा दो। हाँ, जो को मेरे आका। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, जब दुश्मन हो तगड़ा तो पिट जाओ कुट जाओ। अरे प्यारी परेशानी जी, अब तो उठ जाओ। जिनू, नक्चड़ी। जिनू, नक्चड़ी कहाँ गई? आका आका आका, नक्चड़ी कहाँ गई? जिनू, तुम ना, नक्चड़ी कहाँ गई? ऊपर। जिनू, हाँ, ये क्या किया तुमने? आका, तुम्हीं ने तो कहा था उठा दो, मैंने उठा दिया। अब मैली चादरें भी मैं ही निकालूं। कसम सोने की अशर्फियों की, एक नन्ही सी जान कितना काम कर सकती है, चादरें भी मैं निकालूं। सुनो, हाथ मत रोकना, अभी चादरें ला रही हूँ। नीली चादर गई का? इसमें होगी, संदूक में देखती हूँ। वही 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 वही, इसमें तो पूरा खजाना है। नीली चादर नहीं मिल रही तो क्या हुआ? दूसरी चादरें और ये दरिया धुलवा देती हूँ। बड़ी मुश्किल से नाजनीन के चंगुल में फंसी है, थोड़ा वक्त लगाती है, पर दुकान एकदम चमका दी। चादर ला रही हूँ, रुको। कौन बेचारी चाची के चंगुल में फंस गई? आका, हम बच गए। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे। जिनू, जिनू, जल्दी से नक्चड़ी को नीचे लेकर आओ। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ की चुटकी का खेल है। हमने तुम जैसे खोटे सिक्के पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वजीर आला, आपको अलीसा का मस्त था, हमें एक मौका और दीजिए।
हम शहजादी यास्मीन को आपका बनाकर ही रहेंगे, यकीन कीजिए। मौका ऊपर वाला देता है। सफर नहीं। अगर आज तुम काले चोर को पकड़ लेते ना, तो हमारे एक हाथ में शहजादी यास्मीन होती और दूसरे में वो जादुई चिराग और उसका चिन्ह। लेकिन तुमने घुटने टेक दिए, अब तुम्हें मौत भी नहीं बचा सकती। हम चिराग ले सकते। चादर ले गया, मुझे तो छुपाना है। चादर? हाँ, ये तो बहुत आसान काम है, अभी लाया। आते बाते दही चटाके, जादू वाले तले पटाके, खरगोश की शादी में गाजर ही गाजर, हमें चाहिए चादर ही चादर। जिनू के बच्चे, ये तुमने क्या किया? कोहिनूर के बाद भी मुझे मारने के लिए तुम्हारा जादू सीधा चल रहा था और अभी उल्टा चलने लगा। मैं क्या करूं आका? मैंने तो गाजर, मेरा मतलब चादर मंगाई थी, ये पट्टियां पता नहीं कहां से आ गई। जिनू, हमारे पास वक्त नहीं है, कैसे भी करके सारी पट्टियां गायब करो। अभी लो आका। लकड़ी, आज तो जिनू तुम यहाँ लकड़ी के साथ रहो, मैं अभी गया और चादर ले आता हूँ। हाँ। कोई गलती मत करना। हाँ। जो हुकुम मेरे आका। क्या कहा तुमने? हाँ, हम आपके लिए चिराग, जिन, आपको जो चाहिए सब आपके कदमों में रख देंगे, बस हमारी जान बख्शते वक्त ईद पर दी रहना। आरावा प्यादा जूतने की बात कर रहा है। बताओ कैसे ला सकते हैं उसे? वजीर आला, यकीन कीजिए, हमारे पास अलीजा की ताकत है। हम मानते हैं हम आजार गए, मगर अलीजा चाहे तो सारी कायनात को अपने ताकत से एक कर सकती है। दुनिया का ऐसा कोई जादूगर, काला जादूगर, कोई तिलस्मी ताकत नहीं है जो अलीजा को हरा सके। हमारा यकीन कीजिए वजीर आला। वजीर आला, अलीजा चाहे तो ये धरती और आसमान एक हो सकती है। वो चाहे तो वो चिराग भी आपका होगा, उसके अंदर का जिन भी आपका होगा, और शहजादी यास्मीन भी आपके पांव में होगी।